से वीजा विंडो हिंदी सीरीज में आप सबका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आपको शायद पता होगा कि 1990 में अमेरिका ने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी, वो जो चार कैटेगरी थी उसमें एक पांचवी कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी, जिसको हम सब EB-5 कहते हैं, वो दाखिल की। इसके जरिए जो कोई भी व्यक्ति अमेरिका के नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें 10 आदमी को नौकरी देता है और खुद वो बिजनेस चलाता है, उसको ग्रीन कार्ड दिया जाता है। फिर 1993 में उसमें एडिशन किया कि अमेरिका की सरकार ने जो मान्य किया है वो कंपनी, वो रीजनल सेंटर, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो फिर 10 आदमी को नौकरी देना, बिजनेस चलाना, तो सब वो रीजनल सेंटर करेंगे। ये रीजनल सेंटर वाला प्रोग्राम अभी बंद हो गया है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट EB-5 बेसिक प्रोग्राम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो चालू है। और अभी मेरे पास एक प्रपोजल आई है जिसका मैंने बहुत से सवालों करके मुआवजा किया और मैंने वो तलाश की, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये वीजा विंडो हिंदी सीरीज के दर्शकों के लिए बताता हूँ कि अगर आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं और आपके पास $5,00,000 का प्रबंध है, तो आप वो $5,00,000 EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो यह प्रपोजल लास वेगास में एक हॉस्पिटल बन रही है, उसके अंदर 20 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 पार्टनर रहेंगे, हर एक पार्टनर $5,00,000 इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद उनके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल होगा। इंडियंस को वो ग्रीन कार्ड मिलने में 3 साल लगेंगे। पहले ग्रीन कार्ड 2 साल का दिया जाएगा, 21 महीने के बाद अर्जी करके वो परमानेंट करना पड़ेगा, वो परमानेंट होने में और 3 साल लग जाएंगे। और जब तुम्हारा ग्रीन कार्ड परमानेंट हो जाएगा तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट वापिस मिलेगा। अगर आप चाहे तो आपका इन्वेस्टमेंट वापिस ना लेके वो हॉस्पिटल के बिजनेस में जो पार्टनर आप है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के पैसे वाइट होने चाहिए, आपके पास वो कहाँ से आए वो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट दिखा के, और इन्वेस्टमेंट की जो रकम आपको वापस मिल सकती है उसके उपरांत आपको ये जो हर साल 5-7% इंटरेस्ट भी मिलेगा, मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की रकम जो वापस मिलेगी उसके ऊपर उपरांत आपको $70,000 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के देने पड़ेंगे, $25,000 अटर्नीज की फीस होगी, $5,000 फाइलिंग फी रहेगी और अन्य कुछ खर्चे रहेंगे। तो ये जो सब आप खर्चा करेंगे 70,000, 25,000, 5,000, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके पास पैसे की छूट है, पैसे का बंदोबस्त है और जो अमेरिका के ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इन्वेस्टर के साथ साथ उसकी वाइफ, या अगर वाइफ इन्वेस्ट करती है तो हस्बैंड, और 21 साल की से कम उम्र वाले अनमेरिड बच्चों को भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है। जिसको इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, यह प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सबको मेरा ईमेल मालूम है, sudhirshah1940@gmail.com, और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये EB-5 प्रोग्राम की पूरी जानकारी और ये प्रोजेक्ट की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट
जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, उसमें सिर्फ 20 लोगों को लिया जाएगा, 20 लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, और मेरे ख्याल से जैसा मैंने देखा है और सुना है, ये प्रोजेक्ट यूं कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड लेना है तो आप मेरा तुरंत ही संपर्क करो। अब दो और बातें, आज से करीबन 15 साल पहले मैंने एक ड्रामा लिखा था, पशा पटेल ने वीजा मिला, पशा पटेल को वीजा मिला। ये जो गुजरात के पटेल हैं, उनको अमेरिका जाने की बहुत ही इच्छा रहती है और वो कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहते हैं। तो वैसा एक पशा पटेल रहता है जो अमेरिका जाना चाहता है लेकिन उसको वीजा नहीं मिलता है, और इसके लिए वो बार बार अलग अलग ढंग से कोशिश करता है और फिर आखिर में उसको वीजा मिलता है। ये सब बताते हुए मैंने ये ड्रामा लिखा है, कॉमेडी है और अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जानकारी भी देता है। तो अभी ये 15 साल पहले लिखा था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो मैं दिखा नहीं सका था। तो अभी 15 साल के बाद मैंने वो ड्रामा फिर से रीराइट किया है और अभी अगले महीने हम लोग उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ड्रामा मैंने गुजराती में लिखा है लेकिन यूएसए वीजा विंडो हिंदी सीरीज के दर्शकों के लिए मैंने उसको हिंदी में भी लिखा है और हम दोनों भाषा में, गुजराती और हिंदी में, उसका फिल्मांकन करेंगे, वीडियो करेंगे और यूट्यूब पे दिखाएंगे। तो आप मार्च महीने के एंड में ये पशा पटेल ने वीजा मिला जरूर देखना। और मैंने एक और चीज भी अभी की है, ये गुजरातियों के लिए है। मैंने अपने खुद की बायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, और गुजराती के ग्रेट प्ले राइटर प्रवीण सोलंकी की भी बायोग्राफी मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर लिखी है। तो जिनको इंटरेस्ट है और जो गुजराती पढ़ सकते हैं वो ये मेरी खुद की आत्मकथा और ये गुजराती के लेखक प्रवीण सोलंकी की बायोग्राफी मंगा सकते हैं, अमेजोन पर भी वो उपलब्ध है। और ये प्रवीण सोलंकी की बायोग्राफी जब हम लोग ने रिलीज की, उसका विमोचन किया, वो कार्यक्रम हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है और ये रविवार को शाम को 6 बजे वो हम यूट्यूब पे दिखाने वाले हैं। तो आप वो ज़रूर देखना, उसकी लिंक भी मैं आपको बताऊंगा। तो दर्शक मित्रों, EB5 में प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। ये मेरा ड्रामा भी देखना मार्च महीने के एंड में, और अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखना है, हमारी किताबें चाहिए तो मुझे लिखना। और अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, वीजा के बारे में आप टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते।